चिंतन शिविर में बात तो सब ठीक ठाक हुआ है, बस ठीक ठीक इंप्लीमेंट हो जाए तक कोई बात हो, कहीं बाद में ही ना पता चले कि ये सब बातें थी। और किशोर कुमार साहब तो पहले ही कह गए हैं बातें हैं, बातों का क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में, मैं हूं आसिया। हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सत्ता में वापसी कैसे हो, इस पर मंथन हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जो किसी भी बात को समझे ना समझे रख देते हैं मत कर। आप नाम सभी जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है जनाब लाल बुझक्कड़। हाजी लाल बुझक्कड़, पता है उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है। क्या बात करती है मैडम, हम हैं लाल बुझक्कड़, हमको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा है? अच्छा, फिर बताइए कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन क्यों किया? ये से मैडम कि चिंता तक किया नहीं जा सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि काहे नहीं चिंता किया जा सकता। कहा जाता है चिंता से चतुराई घटे। अब नेताजी लोग के ये घट गया ना मैडम, तो समझ लीजिए बेचारा गया। तो कहे का मतलब ही कि ऐसन सिचुएशन में चिंतन शिविर ही हो सकता था। Am I right मैडम? पता तो कुछ रहता नहीं, बस बोल देना है। अरे कोई भी पार्टी चिंतन शिविर इसलिए लगाती है ताकि अपने कमियों पर विमर्श कर उन कमियों को दूर करे, ताकि भविष्य में उन्हें अच्छा रिजल्ट मिले, क्या समझे? है मैडम कि हमसे बचपन में भूल हो गया, हमको माफी दे दो। क्या भूल हो गई आपको बचपन में? हम चिंतन शिविर का आयोजन नहीं किए मैडम। पर आप चिंतन शिविर का आयोजन क्यों करते भला? परीक्षा में अच्छा रिजल्ट के लिए। अच्छे रिजल्ट के लिए? हाँ, अभी आप कही ना चिंतन शिविर का आयोजन पार्टियां अच्छे रिजल्ट के लिए करती है, तो हमारे लिए भी करना चाहिए था ना। एक एक क्लास में जो हम दो दो साल पढ़े, नहीं पढ़ना पड़ता। आज घर जाएंगे तो हम अपना पेरेंट्स से पूछेंगे हमारे लिए चिंतन शिविर का आयोजन काहे नहीं हुआ। उन लोग को हमारा फ्यूचर के चिंता नहीं था लगता है मैडम। ये आप अपनी कहानी लेकर जब तक तो क्यों बैठ जाते हैं लाल बुझक्कर? गलत। क्या गलत, सही तो कहा मैंने। क्या सही कही आप कह रही हैं हम अपना कहानी लेकर बैठ जाते हैं, पर हम तक खड़ा हैं। देखिए देखिए सबको कुर्सी पे बैठावे का रिक्वेस्ट तो हम आपको कब से दिए हुए हैं, पता नहीं कब कुर्सी मिलेगा हमको। आप जितनी बेमतलब की बातें करते हैं ना, आपको कुर्सी नहीं दूंगी। आप एक ही फ्रेम में खड़े ही ठीक है लाल बुझक्कर। आप तो हमारा चिंता बढ़ा दी मैडम। अपनी चिंता को रखिए आप अपनी जेब में और मुद्दे पर आइए। ये बताइए चिंतन शिविर से जो बातें बाहर आई उसके मुताबिक एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला जो आया है उसे आप कैसे देखते हैं? वेल मैडम, ऐसे में तो हमको लगता है ना कि इस चिंतन शिविर से कुछ नेताजी लोग के चिंता बढ़ गया होगा। वो क्यों भला? बाल बच्चा फैमिली रिलेटिव सबके फ्यूचर टेंस का जो सवाल आ गया है मैडम, उन लोग का का होगा मैडम? किन्ने जाएंगे उन लोग, स्पेशल प्रिविलेज का होगा? अरे भाई, टिकट चाहिए तो पार्टी के लिए 5 साल का काम करना होगा ना, तभी परिवार को होते हुए भी टिकट मिल सकता है। ओ, माने उपाय है। अब जाके सांस में सांस आया। हमरे नहीं, उनके जे अपना परिवार के बच्चा लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना चाहते हैं। ऐसे भी मैडम जे चुनाव लड़ते हैं ना, उनमें से ज्यादातर के बीवी बाल बच्चा सब तो पार्टी का सदस्य होबे करते होंगे। हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। जाए दीजिए, कुछ लोग अपवाद तक होते ही हैं। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, ये बताइए कांग्रेस के चिंतन शिविर को आप कैसे देखते हैं? मैडम हमको तो लगता है ना कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग खातिर चिंतन के साथ है कुछ चिंता वाला भी बात है। अच्छा, चिंता की कौन सी बात है? राजस्थान मैडम जहाँ चिंतन शिविर हुआ वहाँ 2 गो प्रमुख नेता एक दूसरे के मुख देखने को तैयार नहीं। शिविर के दौरान ही पंजाब में पंजाब के पूर्व प्रमुख पार्टी से मुख मोड़ लिए हैं। कुछ शिविर में बुलाए जाने के बाद भी काहे नहीं अपने मुख का दर्शन दिए, ये भी चिंता का बात।
रीजनल पार्टी के विचारधारा पर सवाल उठाने पर रीजनल पार्टी आईना लेकर अलगे दिखा रहा है कि आप लोग अपना मुख देखिए। दूसर तरफ पार्टी के कुछ बड़ बड़ नेता जो कहीं मंत्री हैं, अपने को नहीं बुलाए जाने से चिंता में हैं। काहे नहीं बुलाए भाई, जबकि कुछ कुछ जो कुछ नहीं है वो भी बुलाए गए थे। पर सबको तो बुलाया नहीं जा सकता ना। खैर ये सब छोड़िए, ये पता है राहुल गांधी ने कहा कि देश की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसे खुले तौर पर चर्चा और संवाद होता है। खुले तौर पर चर्चा और संवाद, ठीक बोले मैडम। हमको लगता है ना, ये बात के झारखंड के कांग्रेस के नेताजी लोग ढेरे सीरियसली ले लिए हैं। तबे ना आए दिन कुछ विधायक अपने ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। एक गुट दिल्ली से संवाद करके जैसे ही लौटता है, दूसर का गुट टिकट कटा के संवाद खातिर दिल्ली कुछ। झारखंड कांग्रेस में कुछ कुछ होता है मैडम, दिल्ली का बुझी। आपकी बेमतलब की बातों को कौन समझेगा। खैर ये सब छोड़िए, आपको ये पता है चिंतन शिविर में तय हुआ है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चलाएगी। ये तो बढ़िया बात है मैडम, पर हमको लगता है ना उससे पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान भी चलाते ना तो बेहतर होगा। देख ही रही हैं, इनने विधायक बना मंत्री, उधर G23 तब बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी खाली। आपको ये भी बता दूं लालबू चक्कर कि कांग्रेस में 50% टिकट 50 से कम वालों को मिलेगा। बुजुर्ग लोग खातिर तो एगो और चिंता आ गया, उनके फ्यूचर टेंस पे संकट। पर मैडम एगो बात कहेंगे। कह ही दीजिए। चिंतन शिविर में बात तो सब ठीक ठाक हुआ है, बस ठीक ठीक इम्प्लीमेंट हो जाए तक कोई बात हो। कहीं बाद में ये ना पता चले कि ये सब बातें थी और किशोर कुमार साहब तो पहले ही कह गए हैं बातें हैं, बातों का क्या, क्या बुझी। आपकी बातें आप ही बुझे लालबू चक्कर। जहां तक कांग्रेस की बात है तो देखना यह है कि पार्टी चिंतन शिविर के जरिए जिन बातों को लेकर सामने आई है उस पर अमल करती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे और लालबू चक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।